उसने उन कागजा में डिजिट कंप्यूटर पे लिखे और तुम कर्जदार बना दिए बिल्कुल, और वह नोट छाप की अडानी थी पकड़ा दिए। और हमने न्यू कहा है भाई एक काम कर लो भाई, जो असली कहानी है देश की जनता ना हिसाब दो, हिसाब हिसाब दिए बिना मत चलो, हिसाब तो बाप बेटे का है, दुख लेनी देनी लेनी देनी। 176 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है देश के लोगों ने, 176 लाख का, और रुपये कितने हैं देश में 34 लाख करोड़। भाई मेरे द्वारा 100 रुपये हो मैं सोते फालतू ही ना क्यों कर्जा दे दूंगा। सरकार द्वारा जितना सोना हुआ उतने नोट छाप सके सरकार, यह बात तो सुनी होगी तऊ, पर किसे बड़े बुजुर्ग ने न्यू कौन बताई 100 के नोट के बदले कितना सोना होया करे, या तो किसी ने नहीं बताई, ना किसी सरकार के आदमी ने बताई, ना कदे कॉलेज में पढ़ाया गया, ना कदे बैंक वाले ने बताया, ना कर्जा देने वाले ने बताया, ना नोट छापने वाले ने बताया, ना किसी टेलीविजन ने बताया, किसी ने नहीं बताया। वो इसलिए नहीं बताया कि जब देश की जनता ने बेरा ला गया तो देश ने कहा 3 बेटी के मेरा पागल बनाने लग रहे थे तो इतने साल हो गए, ईब उसका बेरा काटा हमने आरटीआई के लिया, हम आरबीआई की जो आर्काइव है पुणे वाली और दिल्ली वाली वहां से कागज ले आए, यहाँ काट गए और आरटीआई उसकी आरबीआई की मोर लाग रही उनके ऊपर। अच्छा, और मैं मोर लाग गए कागज न्यू के हैं, अगर आज भी किसी के घर में छापा पड़े और इनकम टैक्स आड़ा का, और जब उसके घर में मोर मिल जावे, मोहर पहले एक मोर होया कर दिया बुढ़े ताऊ जाने, वह मोर 15 रुपये की आया कर दी और वह 1 तोड़ा सोने की आया कर दी, तो जब आज भी किसी के घर में मोर पड़ी पा जाए ना 10 मोर तो उसमें न्यू कौन लग, देख 10 तोड़े सोना उसमें न्यू लगे 150 रुपये पाए, 150 रुपये यानी के 1 तोड़ा सोना 15 रुपया का आज भी कागजा में है, और जब उसका हिसाब ला के देखे तो 1 रुपये में 777 मिलीग्राम सोना है, यो हमारे रुपये नोट छापन की कीमत है। मामने सरकार द्वारा 2000 का एक नोट भेजा था, हमने न्यू कहा भाई हम इसके ऊपर लिख रहा है, गवर्नर ने एक बात लिख रखी कि मैं धारक को 2000 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, हमने उस पर लिख दिया गवर्नर थी महा गवर्नर साहब एक काम करो, हमने इस नोट के बदले नोट नहीं चेंदा, हमने हमारे 2000 रुपये दे दो, जिनसे हमारे 2000 रुपये हैं। उन बातों ने मतलब हमारे 2 से 3 से बड़का ने ये आवेदन लगाया था, और आज तक गवर्नर का न्यू जवाब नहीं आ लिया, कौन से 2000 रुपये मांगो तुम, हमने उस तक कैलकुलेट करके बताया कि तेरे इन कागजा के हिसाब से 1 रुपये की कीमत बने 777 मिलीग्राम सोना, इस हिसाब से 2000 रुपया में 1554 ग्राम यानी 1.5 किलो सोना बना है हमारा उदय और तेरा देनदार बने। इब हम काफी जद्दोजहद करते हुए चले गए उड़े आर्काइव में दिल्ली, दिल्ली में हम डायरेक्टर से मिले और डायरेक्टर ने बोला ऐसा है डॉक्टर साहब जे एक आदमी तो दे दिया तो सारे देश ने बेरा पट जाऊगा, इसीलिए सरकार ने न्यू कहा है इन कागजा ने दाब करा खूब, किसे तो बेरा नहीं लगना चाहिए। कोई बात नहीं भाई तम नहीं बेरा लगने दोगे तो हम बतावांगे गामा गामा जाके लोग आते हैं कि थारी लूट क्यों कर ऑन लाग रही है, थारे रुपये ने जीरो में कन्वर्ट होने लाग रहे हैं। फिर हमने इस बात की टेस्टिंग खातर कुछ लोगों के कर्जे का स्टाइल देखा, हमने न्यू कहा भाई एक काम करो जिसका ब्योत है देने का दिए जाओ, पर एक आधा मानस गांव में ऐसा है जो कितने रुपये लाए गए आरे बीमारी में खर्च हो गए या कुछ हो गया, वो लोन चुकता करने की हालत में नहीं है, देसी भाषा में कहा डिफॉल्टर हो गया, डिफॉल्टर हो गया, और भाई मैं उसके डंडा कर दिया और उस दिन कहा भाई जय तू किस्त नहीं जमा करा होगा तो तेरा ट्रैक्टर ले जाएं ठा के, तेरी गाड़ी ले जाएंगे, तेरा घर नीलाम कर देंगे, तेरा यू बिक जाएगा, तेरे किले नीलाम करने पड़ेंगे, मत जब तू कति जमा ना सो लिया और आखिरी स्टेप पर खड़ा हो ना तो तू एक काम कर भाई जनता सरकार मोर्चा तो राजा, और हम एक कागज कह रहे हो या गलत है, वह न्यू कह है अग भाई तुम ना तो ना कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रखे पीछे दो, हम न्यू कह वहां पीछे कुण से चाहिए हैं, ये जो नकली पर्ची छाप रखी ये चाहिए हैं या जो असली रुपया जो पहले आरबीआई में सोना धर के उसके बराबर छापा करा वो चाहिए, क्योंकि नकली रुपया छाप छाप के इन कंपनियां दे रखा है बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उस नकली रुपये का हिसाब देश की जनता ने मांगने का अधिकार तो होगा भाई, आम उन तीनों का वहां देश में 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है और सिर्फ 800 टन सोना है, 800 टन सोने का मतलब ये हो गया कि 4.8 लाख करोड़ रुपए का सोना है सिर्फ, यानी 29.2 लाख करोड़ रुपए की करेंसी फर्जी है नकली है बना है, अगो बैंक में 5 लाख रुपए लेने चला गया हो और मैनेजर ने पट देसी कार्ड की 5 लाख दे दियो, न्यू कर मैनेजर न्यू कह दबारे ना ये शान ना ये के क्या है 3 दिन में ये फिर आइए 3 दिन में रुपये नहीं है बैंक पे, मतलब तेरे खाते में तो रुपये हैं, डिजिट तो है खाते में तो आंकड़े तो हैं लेकिन तेरे बैंक में नहीं है फिजिकल, और वो आड़े भी नहीं है और वह जींद में भी नहीं है और वह दिल्ली में भी नहीं है और वह बम्बई में भी नहीं, तो वह कित है ये है कोनी, उस कराने पड़ जाओ तो तेरे दौरा गरा है के ना इस दौरे 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 किसे दौरे नहीं किसे दौरे रुपया नहीं है तो वो दोगे कितना है जब
दिन सारे देना पड़ेगा, उस दिन कितना करवा दो और उसके बाद इसकी जमीन हड़पनी है। और जमीन हड़पने के बाद इस किसान को जब गांव से बेदखल करेंगे, सुनो ऊपर ये ड्रोन चल रहे हैं ना, ये ड्रोन की गल्ला चेकिंग होने लग रही है। हम ये बड़े बड़े रोड है जो 20-20 फुट के 30-30 फुट के रोड बना रखे, ये रोड न्यू कौन बना रखे, कि ना रोड चाहिए थे। तीन चार फायदे, पहली बात जो जम्मू कश्मीर तक अडानी की पोर्ट तक सारे प्राकृतिक संसाधन लेकर जाने वहां काम आएंगे। नंबर दो, जिस टाइम पे बारिश ज्यादा आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, तो पानी लिकड़न की जगह नहीं है किसान के पास कितने भी। उनकी जमीन न उड़ा खड़ी खड़ी उड़ा नूनी करवा लाके उसकी जमीन खराब करके ना, और जब जमीन जमीन बची नहीं, खेती हुई नहीं, कम्मे बचा नहीं, बीज अपना नहीं, डांगर का बीज अपना नहीं, गांव के द्वारा पानी नहीं अपना, गांव द्वारा कुआ नहीं अपना, गांव द्वारा बिजली नहीं अपनी, गांव ने चारों कैन तक घोर के और सारे परिवार की फैमिली आईडी सारे कागज एक जगह जोड़ रखे, आधार कार्ड की गेला सारे बैंक के खाते के जोड़ रखे, सारे कर्जे पे हैं, तो जिस टाइम पर रगड़ना होगा उस टाइम एक बटन दाबना, आधार कार्ड बंद कर दो, सब कुछ बंद। और उस गरीब गांव है ऊपर से देख लिया कि ये 5 गांव हैं, ये ठीक ठाक बच रहे हैं, इन गांव में उजाड़न खातर के करा जावे, और इन गांव के बीच में कह तो कोई शुगर फैक्ट्री, कई थेनोल की फैक्ट्री, कह कोई पावर हाउस, कह कोई कुछ इसी चीज डाल दो जिससे कि पूरे गांव में कह तो राखी जानती रहे, राख जानती रहे, कह फिर बदबू आनती रहे, और कुछ ना मिला तो डंपिंग यार्ड बना दो। मतलब क्या है कि उड़े कुछ ना कुछ ऐसा बना दो गांव के लोगों का जीना मुश्किल हो जाए। इब गांव के आदमी ना अपना बालक पढ़ाने खातर गांव में जगह नहीं बचे, गांव के बालक ने गांव के आदमी ने गांव में हेल्थ का मतलब अस्पताल नहीं मिले, इलाज भी नहीं हुआ, स्कूल में बालक भी नहीं पढ़े, बालक ने नौकरी भी नहीं मिला, खेती का कीमत भी नहीं मिला, जमीन में कुछ लकड़े भी नहीं, गांव में भाईचारा भी नहीं रहा, पुलिस की मदद से उड़ा गांव में सारे नशे भी अवेलेबल करा दे, तो आदमी अपने आप सोचने लग जाएगा गांव में कमे नहीं धरा, गांव में लकड़ लो। डॉक्टर साहब 18-17 कुमार दो ट्रेनिंग ली हो तैयार हो गए, क्योंकि हम के कहा कि जब लड़ाई लड़नी होना तो न्यू बेरा होना चाहिए कि लड़ाई लड़ाने के ऊपर है, लड़नी किस तरह है और लड़ने का तरीका के है और जीत का मतलब के है। इसीलिए हम पहले हमेशा उस आदमी की ट्रेनिंग करते हैं कि भाई यो खेल है, काल ने SDM आओगा, काल ने DC आओगा, काल ने कोई आओगा, अगर बैंक वाला आओगा अपना कर्जा लेने खातर, तो उसकी के जवाब देने हैं, क्यूकर लड़ना है, क्यूकर बढ़ना है, गाम राम क्यूकर कर्जे त मुक्त करना है, सबता गाम कर्जे त मुक्त एक मुश्त हो सके, जब गाम राम इकट्ठा होगा अंधा हो तो हम गांव में बैठ जाएंगे। बताता हूँ इन्होंने आज तक 2-4 गेम खेले हैं, जो भी लोगों ने इनके इस खेल के बारे में बताया, आपका ध्यान हो भारत में इसके ऊपर सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने पता लग गया था कि असल में देश में भूखमरी कौन आई थी, वह ल्याई गई थी, सारा अनाज ले जाके और अंग्रेजा तैयार युद्ध में दे दिया, तो गांव में अनाज बचाए को ना, तो उनने अखबार में न्यूज दिखा दी भाई भूखमरी आ गई। ईब जुकर आज के टाइम है FCI द्वारा अनाज होया करता, जाके देखो FCI के गोदाम में अनाज नहीं है, ईब जब देश में तो जाए ईब न्यू बारिश आ जावे और पानी खड़ा हो जावे और बीज खराब दे दे कंपनी, गांव तो गांव राम दोरा अपना बीज तो है नहीं, कंपनी खराब बीज दे दे तो अनाज होवे को ना। अब असलियत में तो अनाज अडानी ते दिया गया है, यानी भूखमरी आने वाले टाइम में ले ही जाएगी, वो दिखा देश के लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। जब गांव में पानी नहीं, बिजली नहीं और अनाज नहीं और खेत नहीं, तो गांव वाले ने लकड़ना पड़ेगा, तो लकड़ने के लिए जाओगे कित, तो फिर एक काम करने का तरीका चल रहा है, हर शहर के नजदीक, हर छोटे शहर के नजदीक, जैसे नारनौंद है, मैंने इतनी देखा नहीं है लेकिन जो आड़े के लोग हैं उनने जरूर बेरा पाओगा कि शहर के नजदीक बड़े बड़ी बिल्डिंग बनाई जान लग रही हैं, कई कई मंजिला, 10-10 मंजिला, 20-20 मंजिला, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, किसाना ने गेल लेकर दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना के तहत, वो एक एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में एक गांव बच सके है और आपकी फैमिली आईडी पहला बन रही है, तो कै मानस है, कितने मानस विस्थापित करने हैं, उस खातर कै कमरे चाहिए, कितना अनाज का पैकेट चाहिए, ड्रोन की गल्ला पैकेट आपके कमरे के बाहर आ जाओगा, फालतू चू करने की जरूरत नहीं, थारे खाते में डिजिट आंदे रहेंगे, सरकार के खिलाफत नहीं करनी है, ये न्यू करने हैं। रही बात मारन की, भाई लाल बहादुर शास्त्री बोलिया उसका आज तक नहीं बेरा लगा कि न मारा, जिस दिन इंदिरा गांधी ने सारे देश के संसाधन सरकारी कर दिए थे उसका नहीं बेरा लगा, बैंक सारे नेशनलाइज करे थे, बैंका के ऊपर बोली थी, मैं भी बैंका पे बोलने लग रहा हूँ, बिल्कुल जो बैंका पे बोला है उसको इसी तरीके से मार दिया गया, राजीव गांधी को इसी तरीके से मार दिया गया। भाई
राजीव दीक्षित को इसी तरीके से मार दिया गया, हिटलर ने भी ये काम करा था, वो भी इसी तरीके से मार दिया गया। और इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त और भारत का, आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसने आजाद हिंद सेना बनाई, आजाद हिंद रुपया भी बनाया, अपना रुपया बनाया, वो रुपया आज भी चलन में है, वो आदमी आजाद हिंद सरकार बनाई, उस आदमी के भी आज तक नहीं बेरा लग गया क्यों कर मरिया जिया के रोड़ा है। ये सारे के सारे काम करते हैं, जो इनके चाल में फंस जाएगा वो हो जाएगा मतलब इनका गुलाम, और जो जाल में नहीं फंसेगा उसका मरना है तय। तो इसीलिए हम लोग जनता सरकार मोर्चा ने क्या प्लान किया है कि हम तैयार करेंगे एक के बाद एक बोलने वाले लोग, ना कि इसके अंदर कोई चौधर का रोड़ा या इसके अंदर कोई प्रधानगी। इसलिए हमने मारे मरण का खतरा नहीं है, हमने इस बात का खतरा है कि यह बात लोगों तक पहुंचने तक पहले हम नहीं मरने चाहिए। बस भाई जित भी चल लेंगे उड़े गेल खड़े हैं सारे किसान के गेल, किसान आंदोलन में जो सारे साथी जाना है पहलम के हैं उन्हें बेरा है, परमानेंट डिग्री बॉर्डर पर बैठे 13 महीने तक परे, पहले दिन तले का आखिरी दिन तई, और इब भी पहले दिन तले का आखिरी दिन, हम तो उस दिन जिस दिन आंदोलन खत्म होया था उस दिन तक लेकर आज तक भी मैं तो सड़क पे हूँ। भाई किसान तो घर चला गया था, मैं घर कौन गया, मन बेरा था यो टेम बोर्ड के फिर आना है, मैं फिर कल की मर मर बताया करता, और मैं तो फिर भी नहीं गया। तो आप इब भी नहीं जानते है विकास सर, ठीक है सारे भाई जाने हैं विकास ने, विकास से संपर्क कर लो, आड़ा अपने गांव में सबसे बढ़िया तरीका यो है अपने गांव में मीटिंग बुलाओ, सबते गांव ने बुला लो, सबते गांव ने बुला की यार मेरी मीटिंग कराओ, नौजवान बालक जो पढ़े लिखे हैं वह अपने सारे सवाल पूछो, जब वह अंदर तक संतुष्ट हो जावे उसके बाद सीखो कि कर्जे माफ के कागज क्यों कर तैयार होने, हम सिखावांगे, और अपने हाँ कर्जा अदायगी के सॉरी उसके बाद सारे कागज तैयार करना सिखावांगे, आपने लड़ना सिखावांगे, आपको कानूनी प्रक्रिया बताएंगे, और उसके बाद आपके गांव ने शामिल करके घर के गांव के हर आदमी का आवेदन लगाएंगे, आवेदन के बाद सरकार का जो जवाब आवे उसका अपने आप बेरा लग जाएगा, सरकार फ्रॉड कर रही है कि हम गलती कर रहे हैं। बिल्कुल जी।